हेलो एवरी वन एंड वेरी वन वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज आर नेक्स्ट एक्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है वो मैं ओके सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट है सब्ज्यूम हुआ है आपके कोड ऑन वेजेस के अंदर ठीक है सो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे एंड पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा जो अंडरलाइंड सेक्शन है एज इट इज़ पीडीएफ मिलेगा ऐसा कुछ अलग से नोट्स बना करके नहीं मिलेगा ऐसा ही मिलेगा और अंडरलाइंड बस जो हाईलाइटेड है जैसे डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइट्स आपको मिल जाएंगे बट अब तो मैं आपको कहूँगा पीडीएफ डी वी डी तो कोई उसमें कुछ आप बहुत ज्यादा कर नहीं पाओगे पी डाउनलोड करके भी शौकिया डाउनलोड करना है उसके लिए रख दूंगा आपके लिए अब तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो लेक्चर में हो रहा है वो साथ के साथ कवर हो जाए तो पूरे भारत के ऊपर लागू होता है ये भी और कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा एवरी फैक्ट्री ठीक है जो भी फैक्ट्री की डेफिनेशन में आता है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट उसके अलावा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर बीस या बीस से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड थे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जनरली आज के जो कोड्स हैं आपके जो चार कोड्स हैं उसके अंदर हम बात करते हैं ट्वेल्व प्रेसिडिंग मंथ्स या ज्यादातर एक्ट्स के अंदर भी ट्वेल्व प्रेसिडिंग मंथ्स होता है यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर लिया जाता है अकाउंटिंग ईयर होता है बेसिकली आपका एक अप्रैल से इकतीस मार्च तक तो आपने इसमें याद क्या रखना है कि हर फैक्ट्री के अंदर एप्लीकेबल है उसके अलावा कोई भी स्टेब्लिशमेंट जहाँ पर बीस या बीस से ज्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं ठीक है बीस या बीस से ज्यादा लोग ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है क्योंकि बोनस जो है वो सरप्लस के अंदर से ही दिया जाता है एलोकेबल सरप्लस जिसको हम बोलते हैं तो एलोकेबल सरप्लस बेसिकली किस तरीके से डिफाइन किया गया है कोई भी कंपनी अदर देना बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी को छोड़ के कोई भी कंपनी अगर उन्होंने ऑलरेडी जो है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डिविडेंड की जो अरेंजमेंट है उसको क्रिएट नहीं किया हुआ तो उस केस में तो जो आपका एलोकेबल सरप्लस होता है वो होता है ऑफ अवेलेबल सरप्लस अगर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली जो डिक्लेरेशन है और पेमेंट है डिविडेंड्स की जो प्रॉफिट में से होगी उससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं क्रिएटेड है तो सिक्सटी है बाकी अगर ये प्रोविजन क्रिएटेड है तो सिक्सटी परसेंट ऑफ अवेलेबल सरप्लस तो सिक्सटी सेवन परसेंट एंड सिक्स परसेंट ये याद आप रखेंगे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है जी सैलरी या वेज की डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट डेफिनेशन यहाँ पर सेम है जो भी रेम्यूनोरेशन की टर्म्स में मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है बट इसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है कोई भी अलाउंस जो एम्प्लॉय uh, को मिल रहा है अदर देन सैलरी हाउस एकोमोडेशन हो गया सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस या कोई भी अमेनिटी ट्रैवलिंग कंसेशन है कोई बोनस है पेंशन या प्रोविडेंट फंड में इम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है उसको अगर जॉब से उसको रिट्रेंच किया जा रहा है तो उस रिट्रेंचमेंट के लिए कंपनसेशन या ग्रेचुटी कोई और कमीशन जो उसको मिल रहा है जो उसकी जॉब से एसोसिएटेड है तो इनमें से कुछ भी वेजिस के अंदर एड नहीं होता है नेक्स्ट आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी के ऊपर तो कौन से इम्प्लॉय एलिजिबल होंगे बोनस के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि कल किसी इम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और आज बोनस अनाउंस हो रहा है तो वो कहे मुझे भी बोनस दो नहीं तो बोनस के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि द पर्सन शुड हैव वर्कड फॉर नॉट लेस देन थर्टी वर्किंग डेज इन दैट ईयर कम से कम तीस दिन जब बोनस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जिस पर्टिकुलर ईयर का उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर कम से कम तीस दिन काम किया हुआ होना चाहिए तभी वो बोनस के लिए क्वालिफाइड है अब जैसे एलिजिबिलिटी है वैसे ही बोनस के लिए कुछ डिसक्वालिफिकेशन भी हैं तो अ पर्टिकुलर इम्प्लॉय डिसक्वालिफाइड फॉर बोनस देखो जनरली क्या होता है ना एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूं पहले फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो हमने बोला कि एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का अकाउंटिंग ईयर हो गया ठीक है अब बोनस तो अकाउंटिंग ईयर जब खत्म हो जाता है उसके बाद ही पता चलता है ना जब सारे अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे अब एक पर्टिकुलर इम्प्लॉय ने एक अप्रैल 2021 में वो काम कर रहा था उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सपोज करके चलते हैं उसने 31 दिसंबर को को उस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा 2021 में तो बेसिकली उसने बोनस अनाउंस होने से पहले छोड़ दिया ऑर्गेनाइजेशन को तो क्या उसको जब ईयर एंड में बोनस अनाउंस होगा तो क्या उसको बोनस मिलना चाहिए <coughs> कानून कहता है बिल्कुल मिलना चाहिए क्योंकि उसने नौ महीने तो वहाँ पे काम किया है ना तो उसका बोनस उसको मिलेगा दूसरा सिनेरियो होता है एक तो हो गया वो रिज़ाइन करके चला गया या उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई डेथ होगी कुछ भी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं दूसरा हो सकता है कि उसको निकाला गया ठीक है डिसमिस किया गया और डिसमिस भी किस पर्पज़ के लिए किया गया उसने कोई फ्रॉड उसका पकड़ा गया ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में वो दंगा राइटर्स वॉयलेंट वॉयलेंस शो कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमाइसिस के अंदर चोरी मिस एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का स्टेबलिशमेंट में तो इन सब केसेस में अगर उसको निकाला गया है ठीक है एक होता है कि एक दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि एम्प्लॉयर ने वर्कर को रिट्रेंच कर दिया बिकॉज वर्कफोर्स को कट डाउन कर रहे हैं वो वो एक अलग चीज है अगर इन तीन रीजंस के लिए उसको निकाला गया फ्रॉड वॉयलेंस

जो हमने अभी ऊपर देखे थे ना वेज वेज का जो एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट देखते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की सौ रुपए सैलरी है तो उसका एट पॉइंट थ्री थ्री कितना हो गया एट पॉइंट थ्री थ्री ठीक है एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और वन हंड्रेड रुपीज 8.33% और वन हंड्रेड रुपीज ये मिनिमम बोनस होगा इनमें से जो भी हाइयर है ठीक है इनमें से जो भी हाइयर है फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसी की सौ रुपए की सैलरी है उसको उसका 8.33% कितना बना 8.33 और हंड्रेड अब इनमें से हाइयर कौन सा है डेफिनेटली हंड्रेड है तो उसको हंड्रेड का बोनस मिलेगा ठीक है और ये बोनस इंप्लॉयर को उसको देना ही देना है चाहे उस इंप्लॉयर के पास उस पर्टिकुलर ईयर के लिए एलोकेबल सरप्लस है या नहीं है बोनस के लिए तो वो उसको पे करना ही पड़ेगा मिनिमम बोनस तो उसको पे करना ही पड़ेगा अब जहां पर जो है उसने अगर अपने कितना हो जाएगा सिक्सटी रुपीज हो जाएगा ठीक है 8.33 पॉइंट और सिक्सटी परसेंट विच एवर जैसे मिनिमम की एक लिमिट है वैसे ही मैक्सिमम की भी एक लिमिट है मैक्सिमम बोनस इंप्लॉईज को कितना दिया जा सकता है ट्वेंटी परसेंट ठीक है ट्वेंटी परसेंट जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज बोनस जो है वो एक साल के अंदर दिया जा सकता है फ्रॉम द एलोकेबल सरप्लस अब आपके दिमाग में आएगा कि सर किसी साल में अगर एलोकेबल सरप्लस ज्यादा है तो आपने बोला कि मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट ही देना है तो वो ट्वेंटी परसेंट देने के बाद भी एलोकेबल सरप्लस में से पैसा बच गया तो फिर क्या करेंगे तो उसके लिए प्रोविजन है सेट ऑन एंड सेट ऑफ का तो बेसिकली क्या है कि आपने एलोकेबल सरप्लस में से बोनस दे दिया सबको जितना जितना देना था दे दिया मैक्सिमम तक दे दिया लेकिन फिर भी उसमें पैसा बच गया तो क्या होगा आप उस बचे हुए पैसे को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए ठीक है सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे और ये कैरी फॉरवर्ड जो है ना आप एक पर्टिकुलर ईयर का जो बोनस है उसको अगले चार सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जैसे अगर 2021 में आपका एलोकेबल सरप्लस बच गया तो उसको आप 2022 में फिर कर दोगे फिर 23 में कर सकते हो फिर 24 में कर सकते हो फिर 25 तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अल्टीमेटली उस पैसे को यूज किया जाएगा पेमेंट ऑफ बोनस के लिए ही ठीक है अब किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि अवेलेबल सरप्लस है ही नहीं एलोकेबल सरप्लस है ही नहीं अब बोनस कहाँ से दें? मिनिमम बोनस तो देना ही है इम्प्लॉय को लेकिन इंप्लॉयर के पास बेचारे के पास सरप्लस है ही नहीं तो बोनस कहां से दे तो उस केस में क्या होता है उस केस में जो डेफिशिएंसी है जो कमी रह गई एक तरीके से आपने जो इम्प्लॉय का पैसा बोनस नहीं पे किया उसको भी आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे कि हाँ भाई अगले साल हम तुमको बोनस दे देंगे तो अगले साल फिर आपको जो पिछले साल का बोनस पेंडिंग रह गया है वो प्लस नेक्स्ट ईयर का जो बोनस ड्यू होगा वो हो, वो दोनों मिलाकर के उसको देने पड़ेंगे ठीक है तो अगर सरप्लस ज्यादा है तो उसको भी आप आगे लेकर के जा सकते हो और अगर कमी है तो उसको भी आप आगे लेकर के जा सकते हो चार साल तक फोर्थ अकाउंटिंग ईयर तक ठीक है जी ओके okay. उसके बाद एक्ट uh, के अंदर एक स्टार्टअप्स को थोड़ा सा हेल्प करने का भी प्रोविजन है कि जो जो नई ऑर्गेनाइजेशंस बन बन रही हैं हैं स्टार्टअप्स रहे है, उनके ऊपर अगर आप इतनी स्ट्रिक्ट बोनस की देने की प्रोविजंस लगाओगे तो इट कैन बी टफ फॉर देम तो उनको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजन हैं तो वो स्पेशल प्रोविजन क्या है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नई नई ऑर्गेनाइजेशन आई तो पहले पांच साल उनको क्या करना है जब भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गुड्स और सर्विसेज बेचने शुरू किए ना उससे हम पांच साल काउंट करेंगे नॉट ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कई बार ऐसा होता है ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इनकॉर्पोरेट तो हो गई इंडस्ट्री लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग होने में छह महीने लग गए अभी शुरू होने में तो पहले पांच अकाउंटिंग ईयर जो है जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी उससे तब तक हम इंप्लॉयर को बोल देते हैं कि आप सिर्फ उस अकाउंटिंग ईयर में अपने इंप्लॉय को बोनस देंगे जहां पर आपका प्रॉफिट है ठीक है जिनमें आपके पास एक तरीके से सरप्लस बच रहा है ओके जिन ईयर में सरप्लस नहीं बच रहा उन ईयर में आपको बोनस देने की जरूरत नहीं है एक तरीके से यहाँ पर जो सेक्शन फिफ्टीन है जो बेसिकली आपका सेट ऑन ऑफ एंड सेट ऑफ वाला है उसमें तो यह था ना कि भाई अगर तुम्हारा इस साल का प्रॉफिट नहीं भी है एलोकेबल सरप्लस नहीं भी बचा तो उसको फिर अगले साल में लेकर के जाओ अगले साल उसको पे करना बट स्टार्टअप को क्या बोला कि पहले पांच साल के लिए तेरे साथ कोई धक्का नहीं है तेरे पास अगर है देने को सरप्लस तो तू दे दे अगर तेरे पास नहीं होगा तो हम वो कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोविजन जो है वो नहीं लगाएंगे फिर छठे और सातवें साल के अंदर जो सेक्शन फिफ्टीन है वो कुछ कंडीशंस के साथ अप्लाई होगा अब वो कंडीशंस क्या है उसमें हमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारे एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला और एर्थ अकाउंटिंग ईयर से फिर उसके ऊपर भी नॉर्मल मैकेनिज्म लगना शुरू हो जाएगा स्टार्टअप के ऊपर भी जैसा बाकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंडीशन हैं वही कंडीशन उसके ऊपर भी रहेंगी नेक्स्ट आ जाता है जी एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी और इंटरिम बोनस तो बेसिकली क्या होता है अब बोनस तो ईयर एंड में पता चला ठीक है भाई सरप्लस बचा उसमें से बोनस होगा अब जैसे इंडिया के अंदर मल्टीपल फेस्टिवल्स होते हैं फेस्टिवल के टाइम पे लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज को ताकि फेस्टिवल्स को पूरी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए बोनस एज अ कस्टम पहले दे देते हैं पूजा के लिए सेलिब्रेशंस के लिए ठीक है या फिर कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉई एडवांस बोनस ले लेता है जिसको इंटरिम बोनस भी बोल दिया जाता है कंपनीज भी कई बार छह महीने बाद थोड़ा बोनस दे देती हैं ताकि ईयर एंड में एकदम से बहुत सारा पैसा ना निकले तो दोनों केसेस के अंदर अगर इंटरिम बोनस दिया है या कस्टमरी बोनस दिया है तो फिर ईयर एंड के बाद जो उसका फाइनल बोनस बनेगा ना उसमें से वो इस बोनस को डिडक्ट कर सकते हैं ठीक है जो कस्टमरी या इंटरिम बोनस एम्प्लॉयर ने दिया है कुछ डिडक्शन भी हैं जो इंप्लॉयर इंप्लॉय के बोनस में से कर सकता है अगर इज फाउंड गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट और उसके मिसकंडक्ट की वजह से इंप्लॉयर को किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो वो उस फाइनेंशियल लॉस की वैल्यू उसके बोनस में से डिडक्ट कर सकता है उसके बाद बोनस जो है वो कैश में इंप्लॉयर को पे करना है एम्प्लॉय को ठीक है जी अब टाइम लिमिट जनरली कितनी है जनरली तो होती है कि आठ महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो बोनस देना है ठीक है आठ महीने के अंदर आपको बोनस देना है ठीक है जी आठ महीने के अंदर बोनस जो है वो देना है इन एनी अदर केस अगर कहीं पर डिस्प्यूट चल रहा है बोनस के ऊपर और जो है आ, किसी अथॉरिटी के पास वो केस पेंडिंग है तो जब वो अथॉरिटी अपना जजमेंट दे देगा उस जजमेंट के आने के बाद एक महीने के अंदर अंदर बोनस देना है ठीक है अगर डिस्प्यूट चल रहा है अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आठ महीने में जब भी अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया उसके आठ महीने में बोनस जो है वो चला जाना चाहिए ठीक है अब सरकार अगर चाहे या अथॉरिटी अगर चाहे तो इस आठ महीने के पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है ठीक है एक्सटेंड कर सकती है लेकिन एक्ट कहता है कि मैक्सिमम दो साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है उसके आगे एक्सटेंशन भी नहीं कर सकती सरकार तो जनरली तो आठ महीने है सरकार एक्सटेंड कर सकती है लेकिन सरकार भी दो साल से ऊपर एक्सटेंड इसको नहीं कर सकती नेक्स्ट आ जाता है जी कि क्या ये एक्ट पब्लिक सेक्टर के अंदर अप्लाई होगा तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके लिए कानून क्या कहता है अगर वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कोई गुड्स सेल करती है ठीक है या मैन्युफैक्चर करती है या कोई सर्विस ऐसी देती है और उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में सेल में सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉम्पिटिशन है उस गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज का और जो ये गुड्स और सर्विसेज की सेल हो रही है इससे उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का कम से कम बीस परसेंट रेवेन्यू आता है ठीक है कम से कम बीस परसेंट रेवेन्यू या ग्रॉस इनकम उस पर्टिकुलर पब्लिक एंड इस्टेब्लिशमेंट की इन गुड्स की सेल से या सर्विसेज से आ रहा है तो उस केस में तो इस पर्टिकुलर एक्ट के सारे प्रोविजंस उस एंटरप्राइज के ऊपर अप्लाई होंगे

अगर इम्प्लॉयर बोनस नहीं पे कर रहा जो ड्यू है और सरकार के पास फिर केस चला गया कि भाई नहीं पे कर रहा तो जिस भी अथॉरिटी या सरकार के पास वो केस गया है उस केस में सरकार डिसाइड करेगी हाँ भाई ये बोनस नहीं दे रहा अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हाँ पर्सन बोनस नहीं दे रहा तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे उस एरिया के कलेक्टर को जो फिर उस बोनस को रिकवर करेगा एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू ठीक है लेकिन कोई भी अगर एप्लीकेशन रिकवरी ऑफ बोनस से रिलेटेड किसी भी इंप्लॉय को देनी है तो विद इन वन ईयर जो है वो देनी होगी ईयर ईयर नॉट लेट देन ऑल राइट कोई भी डिस्प्यूट इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आता है सो दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विद इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और उसी तरीके से फिर उसकी ट्रीटमेंट होगी चलिए पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी इसके अंदर जो है इम्प्रिजनमेंट है जो सिक्स मंथ्स तक की हो सकती है और फाइन अप टू वन थाउजेंड या बोथ तो छः महीने और एक हजार तक का जो पेनल्टी है वो आपने ध्यान में रखना है अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये कुछ पर्टिकुलर इम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा तो वो कौन से इम्प्लॉयज हैं कोई भी एम्प्लॉय जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर uh, काम कर रहा है है, या एल या सी के जो अंदर रजिस्टर्ड इम्प्लॉयज उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा उसके बाद जी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या कोई भी अथॉरिटी जो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है वहां पर अप्लाई नहीं होगा उसके बाद एम्प्लॉइज़ जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर हैं या सिमिलर नेचर के इंस्टीट्यूट्स में यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इम्प्लॉयज़ पे लागू नहीं होता है इंस्टीट्यूशन जैसे कि हॉस्पिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर भी अप्लाई नहीं होगा आर के इम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ये एक्ट पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई नहीं होगा उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या किसी और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो बेसिकली फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के अंदर है अप्लाई नहीं होगा डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पे अप्लाई नहीं होगा नबार्ड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एनएचबी बी दैट इज अर नेशनल हाउसिंग बैंक उसके बाद कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे इन सबके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा ये लिस्ट जो है याद होनी चाहिए डायरेक्टली इसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकता है ओके okay. उसके अलावा एक पर्टिकुलर एक्ट की यहां पर सेविंग है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड बोनस स्कीम एक्ट को ये पर्टिकुलर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा ओके okay. सो दिस इज इट गाइस दिस वॉज योर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस एक्ट के अंदर हमने कर लिए हैं इसके बाद आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं तो ये पंद्रह बीस पंद्रह बीस मिनट में जो आपके एक्ट्स हो रहे हैं ना अल्टीमेटली पेपर के अंदर ही आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं लास्ट के डेज में इनको बिल्कुल भी छोड़ना मतजुब है अब जितने मैं लेक्चर डालूंगा ना अगले एक हफ्ते वो तो प्राइमरीली आपने प्रायोरिटी पे देखने हैं ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय